1970 का दशक अमेरिका में एक आंदोलनकारी युग था। युवा वर्ग समाज से बगावत कर रहा था और युवक नशे की अवस्था में बेसुध अनर्थकारी गतिविधियों में संलिप्त अक्सर ही न्यूयॉर्क की गलियों में पाए जाने लगे थे। इसी दौरान अत्यधिक मादक पदार्थों का प्रयोग भी हो रहा था और अवांछित गतिविधियां अपने चरम पर थी। किंतु अचानक ही कुछ नवयुवकों ने इस अशिष्ट जीवन शैली को त्याग कर एक शुद्ध एवं सार्थक जीवन की ओर बढ़ना आरंभ किया। ये सभी के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। इस बदलाव से सामाजिक विशेषज्ञ हैरान थे और अमरीकी मीडिया भी विस्मित था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। A hypnotic rhythmic chant of 16 words has replaced LSD. On 2nd Avenue and 1st Street is a storefront in which a Hindu swami has set up shop. कि आखिर कैसे और क्यों आया था ये परिवर्तन? समाज में किन कारणों से ये बदलाव आ रहा था, सभी जानने के इच्छुक थे। भारत से आए एक संत श्रील प्रभुपाद जी ने चमत्कार कैसे किया था, आइए ये जानने के लिए देखते हैं इस्कॉन द्वारा प्रस्तुत ये छोटी सी फिल्म और जानते हैं कि ये असुगम कार्य कैसे संभव। आज आधुनिक युग में मनुष्य मानवीकृत पदार्थों पर ज्यादा निर्भर है। फेसबुक पर तो अनगिनत मित्र हैं, पर बात करने के लिए कोई नहीं मिलता। जीवन में नौकरी की भागदौड़ और चारों ओर की चकाचौंध में मनुष्य खो सा गया है और ये भी सोचने में सक्षम नहीं है कि आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। इस सब के केंद्र में है मनुष्य की भोग विलास की इच्छा, प्रतिदिन नए की चाह, पहले से अधिक और भी बेहतर। मादक एवं नशीले पदार्थों का सहारा हाई महसूस करने के लिए लिया जाता है और इसी के साथ शुरू होता है पतन। विशेषकर भारत में कुसंगति एवं मानसिक असुरक्षा युवा वर्ग को दिग्भ्रमित कर रही है। इस कारण अत्यधिक संख्या में युवा शराब तथा सिगरेट का नशा आरंभ करते हैं। ये समाज के लिए आज बड़ी चुनौती बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2014 में इस पर मंथन की आवश्यकता पर जोर दिया था। चिंता इसलिए नहीं हो रही है कि आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, चिंता इसलिए हो रही है कि किसी माँ का लाल, किसी परिवार का बेटा या बेटी ऐसे दलदल में फंस जाते हैं तो उस व्यक्ति का नहीं, वो पूरा परिवार तबाह हो जाता है, समाज, देश, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। क्या इस जहर को हम इतनी आसानी से अपने समाज से हटा पाएंगे? क्या आपको लगता है कि नशीले पदार्थों की आपूर्ति रोक देने मात्र से ही इस समस्या को खत्म किया जा सकता है? और यदि इस समस्या का समाधान ये नहीं है तो आखिर क्या है? आखिरकार कैसे प्रभुपाद जी ने अमेरिका में हिप्पीज को हैप्पीज बनाया? भक्त जन गीता के संदेश द्वारा व्यक्ति को भगवान से जोड़कर पुनर्जन्म के चक्कर से बाहर निकालते हैं और यही कारण है कि ये सबसे बड़ा परोपकार माना गया है। इसके ज्वलंत उदाहरण हैं चैतन्य महाप्रभु जी के सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद जी। 1965 में 70 वर्ष की आयु में
प्रभुपाद जी एक पुराने मालवाहक समुद्री जहाज में भारत से अमेरिका की दुर्गम यात्रा पर निकल पड़े। कठिन कष्टकर सफर, भीषण समुद्री हलचल, और दो हार्ट अटैक। किंतु प्रभुपाद जी का निश्चय अडिग था। उनका उद्देश्य था आचार्यों की आज्ञा अनुसार भागवत संदेश एवं कृष्ण नाम रूपी रत्न का आधार देकर दुनिया के लोगों के जीवन में आनंद, उल्लास एवं प्रेम की बौछार के साथ साथ ज्ञान द्वारा एक नई सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न करना। किंतु पाश्चात्य लोगों को कृष्ण भक्ति में विश्वास कैसे दिलाया जा सकता था? ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इसका उपाय गीता में बताया गया है। परम दृष्ट्वा न वर्तते, उच्च आध्यात्मिक आस्वादन से भौतिक इच्छाओं से उठा जा सकता है। रसराज भगवान कृष्ण सभी रसों के स्रोत हैं। उनका दर्शन, उनकी प्रेममयी भक्ति और उनके प्रति समर्पण पूर्ण संतुष्टि देता है। अमेरिका में ठीक ऐसा ही हुआ। अमेरिका के अनजान हिप्पी युवा हरिनाम की ओर आकर्षित होते चले गए और देखते ही देखते समकालीन इतिहास का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन प्रारंभ हो गया। बारह वर्षों में पृथ्वी का 14 बार चक्कर लगाकर प्रभुपाद जी ने विश्व में असंख्य लोगों को दुर्व्यसनों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। अधिकतर लोगों तक श्रील प्रभुपाद जी सरल भाषा में लिखी अपनी पुस्तकों के माध्यम से पहुंचे। वैदिक शास्त्रों पर आधारित ये किताबें भगवान से जुड़कर अपने सत्चित आनंद स्वभाव को खोजने का मार्ग बताती है। Gives in this connection a description of defense of the supreme personality of Godhead. इन्हीं किताबों के आधार पर इस्कॉन मंदिर स्थापित हुए, जिनकी सराहना भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा की गई। श्री लॉर्ड प्रभुपाद जी, when he enunciated this movement, he galvanized the whole world. Just imagine within a short span of time, today I am told, ISKCON movement runs more than 600 temples all over the world. आज 650 से अधिक ISKCON केंद्रों में प्रतिवर्ष 6000 से अधिक उत्सवों में कृष्ण सेवा के अवसर मिलते हैं। यहाँ युवा अपनी विभिन्न प्रतिभाओं को निखारते हैं, जिस कारणवश उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। ISKCON की 1000 से अधिक कीर्तन पार्टियां विश्व में कीर्तन करती हैं, जिनमें ज्यादातर युवा सम्मिलित होते हैं। खास तौर पर ISKCON द्वारा आयोजित भारत का प्राचीन जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव अब विश्व के सभी बड़े शहरों में अत्यंत श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सदस्यों को एकजुट करके सरल प्राकृतिक जीवन यापन की प्रेरणा देना ISKCON की स्थापना के समय चिन्हित उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ISKCON ने 65 से अधिक पर्यावरण गांव, इको विलेजेस का निर्माण किया। यहाँ श्री कृष्ण की प्रिय गौ माता की सेवा शुश्रूषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दिव्य मार्गदर्शन, महान उद्देश्य एवं प्रतिभाशाली युवाओं की टीम के प्रबंधन, संचालन और इनोवेशन से भारत के लिए ISKCON गोवर्धन इको विलेज को इस वर्ष यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ISKCON वास्तविक संयुक्त राष्ट्र है। जाति एवं देश से ऊपर उठकर सब आध्यात्मिक स्तर पर सेवा में रत रहते हैं।
इस्कॉन रूपी आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में संपूर्ण परिवार मिलकर ज्ञान प्राप्ति एवं सेवा कर सकता है। रामायण तथा महाभारत की कथाएं बच्चों में कृष्ण भावना जागृत करती हैं। प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर पारिवारिक संबंध और मधुर हो जाते हैं और बच्चे दुर्व्यसनों से दूर रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2002 में प्रकाशित नशा मुक्ति रिपोर्ट नैतिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक गठन का सुझाव देती है और इस्कॉन उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। हरे कृष्ण फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम विश्व का सबसे बड़ा शाकाहारी भोजन राहत प्रदान करने वाला संगठन है। भारत में ही इस सेवा के माध्यम से प्रतिदिन 12 लाख बच्चों को फ्री मिड डे मील दिया जाता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस्कॉन की समाज के प्रति भागीदारी को स्वर्णिम भविष्य के चेंज एजेंट के रूप में बताया है। ऐसे ही कुछ शब्दों में इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरून जी ने भी प्रभुपाद जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। 50 years is divine grace that Srila Prabhupada founded the International Society for Krishna Consciousness. And what an extraordinary man he was. At the age of 70, he traveled by ship from India to Boston, suffering 2 heart attacks on the way. He arrived in America alone and penniless, but he created this global mission, traveling the world to spread his message. And look at it today, active in 100 countries, with 650 temples, centers, schools and colleges. And here's the best number of all, helping to serve 1.2 million free meals to poor children in India every single day. Let's hear it for those amazing achievements. आइए हम सब आज के दिन भगवत भक्ति रूपी संजीवनी को अपनाकर जीवन में उच्चतम आनंद की ओर नाचते गाते हुए बढ़े। आज का ये कार्यक्रम आधुनिक जगत के आध्यात्मिक दूत श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में हमारी छोटी सी एक भेंट है।